प्रथम लागू लगो चरणो धनीना छोडि लाल लेडिया मेरे जीव के ही जीवन

जीवन महामती कहे ए साथ जी एत अब कहो मस्कत की जो आज्ञा है हक जो आज्ञा है हक मस्कत बंदर वृतांत आए पहुंचे मस्कत में प्रणाम जी सुंदर साची कल की बीतक चर्चा में हमने यह सुना कि श्री जी कैसे दीप बंदर से होते हुए नगर पहुँचे थे और वहाँ पर कबीर पंथ के बहुत बड़े आचार्य जो चिंतामणि जी हैं उनके साथ उनके एक हज़ार शिष्यों की आत्म जागृति कैसे हुई और तत्पश्चात सेठ लक्ष्मण दास जी जो वहाँ के बहुत बड़े सेठ हैं उनकी आत्म जागृति के विषय में भी हमने सुना अब श्री जी का मूल उद्देश्य था वैसे मूल उद्देश्य तो उनका जागनी ही था लेकिन कारज कारण जो किया गया था कि बालबाई दीप बंदर से अरबी लुटेरों के बंध में आई और उनको छुड़ाने के लिए श्री जी को जाना है मस्कत बंदर अरब में उसी के चलते श्री जी ठट्ठानगर आए और कई सारी आत्माओं की जागृति हुई और अब ठठानगर से श्रीजी लाठी बंदर होते हुए नाव में बैठकर मस्कत बंदर पहुंच रहे हैं आए पहुंचे मस्कत में श्री जी इससे पहले भी मिहिराज जी का तन इससे पहले भी अरब जा चुका है अपने सदगुरु महाराज के आदेश पे खेता भाई की आत्म जागृति के कार्य हेतु तो, चार साल के लिए जब उनकी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत भी नहीं थी तब की बात है और दोबारा से अब जब उनके हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हो गए हैं उस तन को अक्षरातीत की शोभा दी हुई है साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप हृदय में लेकर दोबारा से वो अरब जा रहे हैं और जैसे कि कल हमने सुना कि बीतक में कोई भी प्रसंग अगर वर्णित किया गया है तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए सीख है जब हमें कहा जाता है कि आपको वाणी की ज्योत को फैलाने के लिए कहीं विदेश में जाना हो विदेश तो छोड़िए अपने नगर में अपने ही मोहल्ले में कहीं पर जाना हो तो हम क्या कहते हैं पहले तो कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा अगर तो हम ज्ञान चर्चा सुनाएंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे कि ये तो बैकवर्ड है और अगर सुन भी लेंगे तो समझने वाला तो कोई है ही नहीं और अगर बाहर भेज दिया जाए तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमें उस स्थान पे भेजा जाता है तो हमारा पहला प्रश्न होगा कि वहां पर हमारा कोई परिचित है सुंदर साथ जो हमारी रहने की खाने पीने की व्यवस्था कर सके हमारा सारा आयोजन देख सके अगर हम सोचे कि बीतक में श्री जी हमारे ही राजी हादी बनकर हमें हिदायत कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो जागनी यात्रा में अग्रसर हो रहे हैं कैसे उन्होंने आत्माओं की जागृति की तो इस प्रसंग में हमें बताया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान से अरब जा रहे हैं वहाँ पर उनको पता नहीं है कि कौन बैठा हुआ होगा उस अरब की धरती पर जहाँ पर वो ठहरेंगे जहाँ पर उनकी व्यवस्था होगी जहाँ पर वो रुकेंगे या कैसे वो उन लुटेरों तक पहुँचेंगे कैसे उनको छुड़ाएंगे छुड़ाने के लिए पैसे होंगे तो वो कहाँ से आएंगे श्री जी को कुछ नहीं पता है बस वो इंद्रावती की आत्मा समर्पण के साथ राज्य पर अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए पूर्ण पहचान के साथ आगे बढ़ती जा रही है तो हमें भी सुंदर साथ इस प्रसंग से सीख लेनी होगी कि राज्य हमें चाहे कहीं पर भी रखे हम बोलते तो है पिया तुम हो तैसी कीजिए हो ज्यो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में लेकिन सच में हम कितना समर्पण कर पाते हैं अपने प्रियतम को जितना जितना हम समर्पण करेंगे उतना उतना ही धनी हमें आगे बढ़ाते जाएंगे उतनी ही हमारे अंदर पात्रता आती जाएगी हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम अगर वहाँ जाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा वहाँ पहुँच जाने के बाद कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा उसका प्रभाव होगा या नहीं होगा हमारा एक ही कर्तव्य है कि राज्य ने क्या कह दिया है वाणी में मेरी सुद्यो ओरो को तित चले तुम्हारा हुक्म आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी पहचान को सब जगह पर देना है वाणी के माध्यम से फैलाना है हमें अपना कर्म करना है सच्चे हृदय से उसका फल क्या होगा वो राज्य निर्धारित करेंगे उसकी चिंता हमें नहीं करनी है अगर यहाँ के एक योगेश्वर कृष्ण अगर कहते हैं गीता में उपदेश देते हैं कि कर्म करते जाओ फल की आशा मत रखो तो जब हम राज्य की वाणी को फैलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तब हमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए और ना ही किसी विषय की चिंता करनी चाहिए क्योंकि राज्य ने वाणी में क्या कह दिया है तू कर मेरी जी कर मैं करूँ तुम्हारी फिकर जिसकी फिक्र करने वाला ऐसा आशिक हो जो सर्वशक्तिमान हो जिनके सत अंग से के एक अंग के इशारे से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और लय को प्राप्त होते हैं उनको किस बात की फिक्र और किस बात का डर हमें तो बस अगर कमी है हमारे अंदर तो एक ही है और वो है हमारी श्रद्धा में समर्पण में और विश्वास में जब हम पूर्ण हृदय से राज्य की पहचान करके कि वो अक्षाती प्रियतम हम बोलते तो है हक नजीक सैरक से अब हम सोचें कि जिसके हृदय में वो अक्षातित प्रियतम सर्वशक्तिमान धनी बैठे हो उनको इन सारी छोटी मोटी चिंता बातों की चिंता सताएगी और अगर हमें चिंता सताती है इसका मतलब हमारी पहचान अभी पूर्ण नहीं है कहीं ना कहीं हमारी पहचान में हमारे प्रियतम पे ईमान में और उनके प्रति समर्पण में कमी है तो इसको पक्का कैसे करेंगे वो आज के प्रसंग में जी हमें सिखाएंगे तो श्री जी हमें हिदायत करते हुए अरब की धरती पर जा पहुँचे हैं जहाँ उनको पहचानने वाला कोई नहीं है लेकिन क्योंकि उन्होंने ब्रह्मात्माओं को परमधाम में वचन दिया था राज जी ने कि तू जहाँ जहाँ पर भी माया में जाएगी तू मुझे भूली रहेगी लेकिन मैं किसी ना किसी रूप में तेरे सामने आकर तुझको जगाता रहूंगा जब तक तेरी आत्मा जागृत नहीं होगी जैसे कि बड़े महाराज जी भी कहा करते थे शेरपुर वाले महाराज जी कि मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगेगी जब तक मेरी आत्माओं की जागनी नहीं होगी तब तक मेरा इस संसार में देह बदल बदल के चलने का जो फेरा है वो चलता रहेगा तो हमारे श्री जी वो हमारे प्रियतम उस तन में विराजमान होकर अरब की धरती पर जा पहुँचे हैं और वहाँ सबसे पहले जहाँ नाव उतरती है वो है मस्कत बंदर वहाँ मस्कत बंदर में किनारे पर ही समंदर के किनारे पर कांठे पर ही कांठे दुकान महावजिए की महावजी भाई करके एक लोहाना जाति के क्षत्रिय वंश के व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान से गए हुए हैं और उनकी वहाँ पर दुकान है और जैसे कि हमने सुना कि श्री जी भी लोहाना जाति के थे शरीर की तो जाति कही ही जाएगी वैसे श्री जी की कोई जाति नहीं है लेकिन मिहराज जी का जो तन है वो लोहाना जाति का है और महावजी भाई अरब की धरती पर बैठे हैं उनको राज्य का या अक्षरातीत के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है इसीलिए वो लौकिक रिश्ते से उनको उनका आदर सत्कार करते हुए श्री जी को बड़े आदर से अपनी दुकान पे लेकर जाते हैं लौकिक नाते से लौकिक रिश्ते से कि ये मेरी ही जाति के हैं और मेरे ही वतन हिंदुस्तान से आए हुए हैं आदर भाव करने लगा बहुत ही आदर सत्कार से खबर बंद की पूछी इन समय जब आदर सत्कार करके अपने पास बुलाया तो श्री जी ने उनको बताया कि मेरे यहाँ आने का कारण क्या है कि बंद में ऐसे ऐसे कुछ सुंदर साथ आए हुए हैं जिनको छुड़ाने के कार्य हेतु तो मुझे यहाँ आना पड़ा है अब दुकान पे बैठे थे जब श्री जी महावजी भाई से बातें कर रहे थे उसी दौरान वहाँ विश्वनाथ जी आ पहुँचे और उनके साथ रूपाबाई और राधाबाई भी थी ये कौन है सुंदर जी जब दीप बंदर में बाईजुराज महारानी को बंद में लिया गया तब विश्वनाथ भट्ट रूपाबाई और राधाबाई वो भी बाईजुराज महारानी जी के साथ ही बंद में थे फिर इनके रिश्तेदारों ने उनको छुड़ा लिया लेकिन बाइजू राज महारानी अभी भी कैद में है क्योंकि उनको छुड़ाने के लिए तो श्री जी निकले हैं कभी वो निकलते हैं सत्रह दिन के तूफान के बाद वापस जाके कभी चिंतामणि जी की आत्म जागृति कर रहे हैं तो कभी लालदास जी की कर रहे हैं और जितना समर्पण मिहिराज जी के अंदर बैठी हुई इंद्रावती सखी का है उतना ही समर्पण वो अमलावती की आत्मा का है जो बंद में धैर्यपूर्वक बैठी हुई है और अपने प्रियतम को हर पल पुकार रही है उनका जीवन भी अगर देखा जाए तो उनका भी जीवन पूरा समर्पण की गाथा ही हमें सिखाता है सुंदर जी आज हम बाईजूराज महारानी जी के मंदिर पर जाते हैं ना घूमर जी में श्री जी का मंदिर बना हुआ है स्थान है पास में एक ही आत्मा का मंदिर बना है और वो है अमलावती की आत्मा किस कारण से श्री जी ने ये शोभा उनको दी है उनके समर्पण के कारण पहले तन में फूलबाई के तन में थी तब भी ऐसा समर्पण किया एक निर्दोष सुंदर साथ की जीवन की रक्षा हेतु उन्होंने अपने जीवन की भी बलि देते हुए पीछे नहीं मुड़ के देखा जब अप उनके ही लौकिक पति ने उनका त्याग किया धर्म की रक्षा हेतु सुंदर साथ का साथ देने हेतु तब उन्होंने उनको दुत्कारा नहीं है ऊपर से पत्र लिखते हुए उनको सराहा है कि धन्य हो गई मैं आज मुझे लग रहा था कि पत्नी मोह में कहीं आप सुंदर साथ की सेवा से पीछे ना हट जाए लेकिन आज आपने इस रिश्ते को और मेरे प्रेम को कलंकित होने से बचा दिया है और तब उन्होंने आमरण उपवास रख के तन छोड़ा श्री जी ने जिस प्रकार से कहा था वैसे उनके देह त्याग के बाद उनकी अस्थियों पर जाकर अपने चरण कमल का अंगूठा रखा और वो ही आत्मा दूसरे तन में तेज कुंवरी के रूप में आई और वो श्री जी को जूनागढ़ में जब जागनी यात्रा शुरू हुई तब उनके सामने आ रही है उसके बाद भी देखे तो अभी तो दीप अंदर पहुँचे वो बंद में चली गई हैं छुड़ा के जब श्री जी जाएंगे तब भी हम आगे सुनेंगे सुंदर साथ जी कि कैसे कभी भीग के टुकड़े लाए हुए सब सुंदर साथ में बांट रही है कभी उनको वृद्ध और के साथ महिलाएं जो सुंदर साथ है या वृद्ध पुरुष सुंदर साथ हैं बच्चों के साथ छोड़ा जा रहा है जब दिल्ली में औरंगजेब की आत्मा को जागृत किया जा रहा है तो कभी कहीं छोड़ा जा रहा है लेकिन कभी उस आत्मा ने उफ तक नहीं करी वो समर्पित है श्री जी पर राज्य पर और अपना समर्पण दर्शाते हुए प्रेम से सब सुंदर साथ को जोड़े जा रही है और वो यह नहीं सोच रही है कि मैं श्री जी के साथ नहीं जा रही हूँ मैं चर्चा नहीं सुन रही हूँ तो मेरी आत्मा जागृति नहीं होगी जो कुछ भी सेवा उनको दी जा रही है समर्पण के समर्पण तब होता है सुंदर साथ जी जब हम अपनी बुद्धि को ताला लगा दें और जिसके प्रति समर्पण कर रहे हैं वो जहाँ जहाँ ले जाए छोटे बच्चे की तरह जब छोटा बच्चा माँ बाप को उंगली थमाए हुए होता है तो वो चिंता नहीं करता है हम अगर उसको हवा में भी उछालते हैं उसको ये नहीं पता होता है कि मैं नीचे गिरूंगा तो मर जाऊंगा अगर ये मुझे नहीं पकड़ पाए तो वो मुस्कुराता रहता है उसको पता है कि जिसने मुझे हवा में उछाला है वो मुझे पकड़ लेगा जब एक निर्दोष मासूम बच्चा भी इतना विश्वास रख सकता है जिसकी कोख से जन्मा है या जिसने वचन दिया है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारी रक्षा करूँगा तो आत्मा का कैसा विश्वास होना चाहिए अपने अक्षातीत प्रियतम के प्रति और हम कैसी छोटी छोटी चिंताओं को लेकर बैठते हैं तारतम के बाद उनके साथ रिश्ता जोड़ने के बाद ज्ञान के द्वारा उनकी पहचान होने के बाद सुंदर साहद जी ये बात हमें चिंतन करनी होगी कितने साल हो गए हमें बीतक चर्चा सुनते सुनते लेकिन क्या हमारे अंदर वो समर्पण वो त्याग है जो बाईजुराज महारानी में है क्या हमारे अंदर वो समर्पण है जो इंद्रावती की आत्मा में है जो जागनी की ज्योत लेकर चली जा रही है यह नहीं सोच रही है कि दिन कहाँ गुजारना है रात कहाँ होनी है खाना कहाँ मिलेगा बीख के टुकड़े मांग के भी खाने पड़ रहे हैं फिर भी वो खुश है और उनके दिल की एक ही पुकार होती है अब हम रहे न जाव ही मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ आव ही संसार लगत अगिन प्रियतम बस मुझे तो वो मूल मिलावा चाहिए ना चा हूँ मैं बुजरकी ना चाहूँ खिताब इश्क दीजिए मोहे आप नो मेरा यही सो मुद्दा है प्रियतम मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे अगर कुछ चाहिए तो वो है तेरे हृदय का प्रेम तो मुझे अक्षरातीत कहलाने की शोभा भी इस ब्रह्मांड में दे रहा है वो भी मुझे नहीं चाहिए धनी के इश्क बिना जो भी बुझ रखी है वो सब आग जेती वो मेरे लिए अग्नि के समान कष्टकारी है और हम सुंदर साजी घर की पद प्रतिष्ठा के लिए रिश्तों के लिए झूठे मोह के लिए कहीं ना कहीं माया में पड़े रहते हैं और जागो और जगाओ के लक्ष्य से विमुख होते हैं तो यहाँ पर श्री जी इस घटनाक्रम से हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें जागने की ज्योत को आगे ले चलना है और कैसे हमारे अंदर भी उस ज्योत को जलाए रखना है कैसे हमारी आत्मा जागृत होगी सुंदर साझ जी तो रूपा और राधाबाई और विश्वनाथ जी से जब श्री जी की बात हुई तो उन्होंने सुन लिया कि ठीक है सबको छुड़ा दिया गया है और बाई राज महारानी बंद में कुशल खेम है इतना ही उन्होंने जानकारी प्राप्त की अब महावजी भाई ने क्योंकि कितने दिनों की यात्रा के बाद श्री जी पहुँचे हैं दुकान पर ही अभी बैठे हैं अब महावजी भाई क्या करते हैं ठौर पास दई रहने को अपने घर के पास में ही एक स्थान दे दिया श्री जी के रहने के लिए और महाव जी रसोई का आदर किया बहुत प्रेम से आदर सत्कार करके उनको कह रहे हैं कि रसोई के लिए उनको निमंत्रण दिया और बहुत ही प्रेम भाव से उनको भोजन अरु लगा आप सेवा करने और श्री जी की सेवा दिल से श्रद्धापूर्वक करने लगे हैं अभी सिर्फ लौकिक पहचान है लेकिन कोई महात्मा साधु महात्मा आया है उस अरब की धरती पर जहाँ कभी कोई नहीं आता जाता है तो वो खुश हो गए हैं और उनकी सेवा उसी भाव से कर रहे हैं कांजी बेटा उनका और महावजी भाई का बेटा है कांजी दुकान की देखरेख वो कर रहा है क्योंकि महावजी भाई उनके पिताजी श्री जी की देखरेख में सेवा में है तो कांजी ने उनके बेटे ने सारी जिम्मेदारी दुकान की संभाल ली हुई है अब क्या हुआ सबसे पहले लगी होने चर्चा जो छठ ठट्ठे की बीतक श्री जी ने नगर में कैसे कैसे आत्माओं की जागृति हुई कैसे दीप बंदर से होते हुए नगर पहुँचे और किस प्रकार से वहाँ पर पहुँचे हैं मस्कत बंदर में ये सारी बातें उनको कह सुनाई और क्या हुआ जैसे जैसे सुंदर साथ इन बातों को सुनता गया कसाला जो बंद का सो भाग गया सब दुख बंद में जाने के कारण उनको जो पीड़ा सहन करनी पड़ी थी बंद में बहुत आराम से तो नहीं रखा जाता होगा सुंदर साची, पता नहीं कितने लोगों के साथ में रखा जाता होगा कहाँ वो नित्य क्रिया करते होंगे क्या भोजन मिलता होगा क्या खाना पीना या पहनना ओढ़ना मिलता होगा क्योंकि जब बंद में पकड़ के लेके जाते हैं तब पता तो होता नहीं है कि बैग साथ में लेकर जाए तो कैसे गुजारा होता होगा तो कष्ट तो झेलने ही पड़े होंगे तो जो दुख था विश्वनाथ जी या रूपाबाई राधाबाई के हृदय में वो कष्ट उनका चर्चा सुनते ही दूर हो गया हम और आप होते तो सुंदरसाद जी क्या करते हैं जब हम किसी के दुख में सम्मिलित होने जाते हैं तो दुख की चर्चा ही करते हैं ये कैसे हुआ ये हुआ वो हुआ और हमें लगता है हम सहानुभूति दे रहे हैं लेकिन राज्य की वाणी क्या कह रही है हमें लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी अगर हम माया की बातें करेंगे तो उस दुख का को और भारी कर रहे हैं क्योंकि उसी की बात हम कर रहे हैं अगर सच में हम किसी के दुख को कम करना चाह रहे हैं तो कैसे होगा वो इस चौपाई में हमें श्री जी ने बताया है श्री जी जब वो अलौकिक परम धाम की चर्चा करने लगे कैसे आत्माओं की जागृति हो रही है वो सब बताने लगे तो सुंदर साथ का जो दुख था वो अपने आप ही दूर हो गया क्योंकि लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी नीच सुख संभार सो तो दुख पाछा भागसी निज सुख की जैसे जैसे बात करते जा रहे हैं वैसे वैसे ही ये दुख दूर होता जा रहा है और यही घटनाक्रम अगर आपने प्रेम का चांद पढ़ा हो सुंदर जी जो शेरपुर वाले बड़े महाराज जी हैं उनकी भी तक है तो जब शेरपुर वाले महाराज जी तिली की बीमारी से पीड़ित कोई तांत्रिक जो था उनके पास जाते हैं तो उनको जब बीमारी होती है तो महाराज जी उनको क्या कहते हैं उनको किस प्रकार से सही करते हैं वो उनको झलीकटी सुनाते हैं और महाराज जी उनको अलौकिक चर्चा सुनाते हैं कि भाई अब तो मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है तू मुझे कितना भी जाने के लिए बोलेगा जब तक तू ठीक नहीं होता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और रोज क्या सुनाते उनको परम धाम की बातें सुनाते हैं ध्यान करवाते हैं परम धाम के पच्चीस पक्षों का वर्णन करते हैं करते 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 उनकी जो बीमारी है वो दूर हो गई और जब स्वस्थ हो गए तब श्री बड़े महाराज जी वहाँ से इसे चले और ये तो श्री जी है वो दुख में तो नहीं रख के जाएंगे सुंदर साथ को वो जी जो परमधाम में कहते हैं कि हक्को काम और कछु नहीं देवे रूहो लाड़ लज्जत जिनका एकमात्र काम हमें लाड़ करना है वो इस माया में आके हमारे प्रेम को हम भूले हुए हैं उनके प्रेम को लेकिन वो तो नहीं भूला है हके ईश्क अपना आखिर लो निभाए वो तो अंतिम घड़ी तक जब तक हम परमधाम वापस नहीं जाएंगे तब तक वो अपना प्रेम निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे तो वो इतने प्यार से अपने सुंदर साथ का दुख दूर कर रहे हैं परम धाम की याद दिला के ये सब तो दुख रूपी ही संसार है ये जो कुछ भी है वो कुछ भी नहीं है और सारा कुछ छलावा है एक, एक स्वप्न ही है तो जैसे स्वप्न का हमें पता चलता है स्वप्न जब तक चल रहा होता है हम दुखी होते हैं जैसे ही स्वप्न टूटता है हमें लगता है अरे ये तो सिर्फ बुरा स्वप्न मात्र था और हम भूल जाते हैं उसी प्रकार से श्री जी उनको वास्तविकता की पहचान करवा रहे हैं कि हक बिना सब ख्वाब तुम उस मूल मिलावे को याद करो हम वहाँ पर बैठे हुए हैं राज्य के चरणों में और ये सब तो सिर्फ स्वप्न ही है आप इससे विचलित ना हो तो वो सुंदर साथ का दुख जो है वो दूर हो गया इसीलिए वानी कहती है चर्चा सुन जो दिन ने रात आप ने त्रुठा प्राणनाथ वो प्रियतम हम पर प्रसन्न होकर ये अठारह हजार सात सौ अट्ठावन चौपाइयों के रूप में वानी की उस अमृत धारा को हमारे राज्य के हमारे प्रियतम के हृदय की प्रेम के अनंत सागर की एक बूंद को प्रवाहित कर रहा है वानी के चौपाई के हर एक शब्द के माध्यम से और हमें उसमें डूबना है और जैसे ही ये सुंदर साथ उसमें झेल रहे हैं अब उनका सारा दुख दूर हो गया सुंदर सा जी और क्या हुआ इत रूपा बाई राधा सुनी चर्चा तीन श्री राज की तरफों रोशन हुआ मन उनको भी श्री जी के स्वरूप की पहचान हो गई और चर्चा मीठी होत है और मीठी मीठी चर्चा होने लगी मीठी चर्चा मतलब शुगर लगा के चीनी लगा के कुछ बोल रहे थे श्री जी शब्द तो यहाँ के ही है लेकिन मीठे क्यों लग रहे हैं इस ब्रह्मांड में सबसे मीठा क्या है सुंदर साहब जी गुजरात में तो मीठा कहा जाता है चीनी डाल के जो बनाया जाता है उसको मिठाई जो होती है ना नेपाल में मीठा कहा जाता है जो स्वादिष्ट चीज़ें होती है और परमधाम की ब्रह्मात्माओं के लिए मीठा क्या होता है मीठी जुबा मीठे वचन मीठा हक मीठा रूह हो प्यार उसके लिए वो प्रियतम का प्रेम ही मीठा है उसके अलावा कुछ भी मीठा नहीं है इसे समझना हो सुंदर साह जी तो एक दृष्टांत से समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको छप्पन भोग भी खिला दूं लेकिन बस परोसते हुए ना गालियाँ दे रही हूं या कुछ अपशब्द दे रही हूँ तो वो छप्पन भोग भी आपको कैसे लगेंगे छोड़ के खड़े होने का मन करेगा ना लेकिन वही चीज मैं आपको रूखी सूखी रोटी खिला रही हूँ लेकिन बहुत प्रेम पूर्वक कि सुंदर साठ जी मेरे से इतना ही हो सकता है बस जितना राज जी ने दिया इसे प्रेम से स्वीकार करो तो वो रोटी भी जैसे उन सुंदर साथ को मंदसौर में बीख के टुकड़े भी कैसे आनंद दे रहे थे ना वैसे आनंद देंगे क्यों उनको वो बीख के टुकड़े मीठे क्यों लग रहे थे ना वो स्वादिष्ट थे बचा कुचा ही तो देते होंगे सब जली कटी भी सुनाते होंगे जब रोज रोज इतने महीनों तक लगातार उन्हीं कमरों में जाकर उन्हीं घरों में जाकर भिक्षा मांग रहे हैं लेकिन उनको मीठे लग रहे हैं क्यों क्योंकि राज्य के साथ सीता के लिए अयोध्या का सुख वन में राम के साथ था तो ब्रह्मात्माओं के लिए भी तो उस अक्षरातीत की लीला जिस तन से हो रही है उसी चरणों में ही तो आनंद आएगा वहीं पे तो उसको वो मीठे का आनंद आएगा तो इन सुंदर साथ को भी जैसे ही श्री जी के स्वरूप की पहचान हुई तो वो चर्चा कैसे लगने लगी है मीठी लगने लगी है सुंदर साथ जी और चर्चा सुनते सुनते महाव जी भाई भी सुन रहे हैं क्योंकि उन्हीं के घर रुके हुए हैं तो महाजीव भाई को भी होने लगी पहचान कुछ कुछ पहचान होने लगी है और इसी प्रकार से जैसे जैसे चर्चा होती जा रही है लोगों का मंडान होता जा रहा है कोई दीदार के लिए आते हैं तो कोई सुनने के लिए आते हैं और इस प्रकार से जब 10-20 दिन हो गए चर्चा करते करते तो जब जी अपना काम करते हैं तो माया भी तो अपना काम करेगी ना हुक्म दे रखा है जी ने उसको भी तो माया ने दज्जाल बनकर अब क्या किया सुंदर साह जी दज्जाल को समझना होगा दज्जाल कोई व्यक्ति तो है नहीं जो करने लगा शोर जो बताया जाता है कोई व्यक्ति नहीं जो चिल्लाएगा दज्जाल के दो प्रकार हो सकते हैं मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति वस्तु जो हमें राज्य से दूर करे जब हम ध्यान में बैठे और अगर हमें बच्चों की चिंता सता रही है तो वो बच्चों से हमारी जो आसक्ति है वो हमारे लिए दज्जाल है बच्चे दज्जाल नहीं है सुंदर साजी इसका उल्टा अर्थ मत लीजिएगा हमारे मन में उनके लिए जो आसक्ति है ना वो दज्जाल है कैसे जैसे एक बार जब देवचंद्र जी के बच्चे बड़े हो रहे थे कौन है बच्चे उनके बिहारी जी और जमुना बाई तो देवचंद्र जी को चिंता हुई कि अब तो ये बड़े हो रहे इनका क्या होगा लीलबाई का भी धामगमन हो गया इनको कौन देखेगा तो आवेश आवेश स्वरूप से आड़ी का लीला होती थी उस समय जब आते थे राज जी तो देवचंद्र जी को नहीं दिखते थे लेकिन अन्य सुंदर साथ के साथ तो बातचीत होती थी तो राज्य ने साथ को कहा कि आप देवचंद्र जी से कह दीजिएगा कि उनके तन से जो लीला करी करवाई जा रही है वो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करे बाकी कार्य चिंता मैं कर लूंगा और सोचिए सुंदर सा जी उसके बाद देवचंद्र जी ने वो श्यामा जी को भी चिंता हो गई थी अपने पुत्र और पुत्रियों की तो हमें भी तो हो सकती है, है ना लेकिन उस प्रसंग के बाद उनको चिंता नहीं हुई तो हमें भी तो समझना होगा ना उस प्रसंग से हमें अगर चिंता हो रही तो वो बच्चे दज्जाल का रूप नहीं है और सा जी हम ये भी नहीं कह सकते कि सौंपने के बाद वो बिहारी जी जैसे क्यों हुए देखो यमुना बाई तो समर्पित हो गई अपने पुत्र के साथ लेकिन बिहारी जी की क्या स्थिति हुई तो वो जीव अपने कर्मों के अनुकूल करेगा कार्य अंकुर है लेकिन पुरुषार्थ नहीं है तो बैठा हुआ है वो उनकी आत्मा जागृत नहीं हुई और जमुना बाई अंकुर है आत्मा जागृत हुई समर्पण है श्री जी के साथ चल पड़ी है अपने पुत्र के साथ और अपना जीवन सफल किया आपने बेटे का भी जीवन सफल किया तो हमें भी चिंता नहीं करनी है सरकार श्री हमेशा कहा करते थे कि दुनिया के रिश्तों के लिए करो लेकिन मरो मरना किसके लिए है राज्य के लिए लेकिन हम क्या करते हैं दुनिया के रिश्तों के लिए मरते हैं और करते किसके लिए है राज्य के लिए इसीलिए हमें लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको सी जब हम असत जड़ और दुख रूपी माया का चिंतन करेंगे तो भारी ही तो होंगे जिसका चिंतन करेंगे वैसे ही बनेंगे योग का चिंतन करेंगे तो योगी बनेंगे भोग का चिंतन करेंगे तो भोगी बनेंगे ब्रह्म विदो ब्रह्मेव भवती अगर हम उस ब्रह्म का चिंतन करेंगे तो उसी की तरह निर्विकार और प्रेम और आनंद और शांति से भर जाएंगे और माया का चिंतन करेंगे तो माया के जैसे ही माया तो दुख निधान जी दुखी ही होंगे तो इन सुंदर साथ का भी जो दुख था वो श्री जी ने दूर किया है और दज्जाल की जो बात हम कर रहे थे सुंदर जी तो जो हमें राज्य के बीच में हमारे और राज्य के बीच में खड़े हो बाहर की कोई वस्तु व्यक्ति पदार्थ कुछ भी हो परिस्थिति जिससे हम जुड़े हुए हैं ना वही हमें विचार में आएंगे और हमें समझना चाहिए कि यही हमारे लिए दज्जाल है तो उनको मारना नहीं है ना बाहर से छोड़ना दिल से समझा के कि राज्य को सौंपो जितने क्षण के लिए बैठे हैं ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बना के लय को प्राप्त करता है उनका सतंग जिन्होंने प्रेम की लीला देखना चाहिए वो राज्य हमारे लिए जो राज्य कहते हैं अब दुख आवे तुमको तहा आड़ा देऊ मेरा जो कहते हैं कि दुख ना देऊ फुल पाखड़ी देखू शीतल नैन जो कहते हैं मुख कर माने मेरी रूह के सो में सहे न जाए सुख को स्वाद देसी तो भी तुमको मैं ना दे जाए वो दे ही नहीं सकते है इन दुख को हमें तो हमें किस बात की चिंता है यही तो समझाया ना दीप बंदर में हम सब सुंदर साथ ने सुना क्या कहा जा रहा है जयराम भाई कंसारा को प्रबोधित करते हुए कि तुम में माया जीव में एता भी ना फर्क धाम धनी की जीकर में हुआ चाहिए घरक तुम्हें तो राज्य के जिक्र में मगन होना चाहिए था और हम भी सुंदर साथ जी सोच ले कि हम किसकी जिक्र करते हैं अगर माया के जिक्र करेंगे तो फिक्र भी हमें ही होगी और अगर धनी की जिक्र करेंगे तो माया की फिक्र वो करेगा हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तो एक तो दज्जाल है जो बाहर से हमें दुखी करता है राज्य से अलग करता है और दूसरा है दज्जाल करत ऐसा अंतर करत दखल दोस्त को दुश्मन करे फिराए देवे सब हुक्कल जो अंतर हमारे लोभ मोह काम क्रोध अहंकार ईर्षा ये जो अग्नि हमारे अंदर जल रही है विकारों की वो भी दज्जाल का कार्य करेगी क्योंकि अगर हम किसी से क्रोध करके ध्यान में बैठेंगे तो हमारा मन शांत नहीं हो पाएगा हम किसी के को वचन सुना के ध्यान में बैठेंगे तो वो प्रेम का सागर कभी हमारे हृदय में नहीं आ पाएगा तो मन वाणी कर्म से किसी का दिल ना दुखाते हुए ब्रह्मात्माओं की तरह विशाल हृदय रखते हुए जब हम जीवन जियेंगे तभी हमारा ध्यान लगेगा हम कहते हैं ना बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता सिर्फ बैठने मात्र से अगर ध्यान लगता लगना होता तो कितने ऋषि मुनि हो गए हैं तीर्थंकर अवतार हो गए हैं जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक भी ध्यान करते आ रहे हिमालय की गुफाओं में सूक्ष्म शरीर से भी ध्यान करते आ रहे हैं यहाँ तक कि उनकी आंखों की पल के ध्यान करते करते क्योंकि आंखें कभी हिलाई नहीं है तो घुटनों तक आ गई है फिर भी उनको भी निराकार से परे ध्यान नहीं जा पाए और हमें तो हद बेहद से परे परम धाम में उस युगल स्वरूप को देखना है जिसको अक्षर ब्रह्म भी नहीं देख पाए हैं वो भी तो राज्य का सिर्फ आधा मुखार देखते हैं ना हमें उस पूर्ण स्वरूप को हृदय में बसाना है और उनके हृदय में भी डुबकी लगानी है उस मारिफत की स्थिति को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा सुंदर साहब जी हमारे हृदय को कितनी हद तक निर्मल करना होगा और इसके लिए हमें ध्यान में बैठना है और रहनी को भी वचनों के हिसाब से वचनों के हिसाब से अर्थात वाणी के वचन में जो कहा गया है वो आचरण में उतारते हुए रहनी में उतारना होगा तभी हमारी आत्मा जागृत हो पाएगी तभी हमारा ध्यान लग पाएगा और जैसे जैसे ध्यान लगता जाएगा कल भी हमने सुना जब ए सुखंग में आ ही तो छूट जाए विकार सारा विकार जो दज्जाल है ना फिर ना बाहर के दर्जाल हमें परेशान करेगा ना ही अंदर का दज्जाल क्योंकि अब आत्मा लागी वाली और न देखे पिंड ब्रह्मांड वो है पार संग देखन को तन सागर माही देखने मात्र के लिए उनका तन होगा जैसे श्री जी का है बाइजूराज महारानी को बंद में रखा गया लेकिन उनको चिंता नहीं है वो तो बस जागो और जगाओ के अपने उत्तरदायित्व को निभाने में लगे हैं जो राज्य ने उनको सौंपा है बाकी सारा राज्य संभालेंगे तो सुंदर शाह जी अब दज्जाल ने वहाँ पे शोर किया विरोध खड़ा किया तब श्रीजी उनको प्रबोधित करते हुए कुछ किरणतन राज्य के आवेश से उस समय उतरते हैं जो इस प्रकार है सुंदर साह जी कि रेहो दुनिया को तू कहाँ पुकारे ये सब कोई है सयाना ये मदमाती अपने रंग राती करत मन का मान्या कि हे इंद्रावती की आत्मा तू कहाँ इस दुनिया को पुकार रही है ये तो क्या है अपने आप को सयाना समझ रही है और मदमाती इतनी मद से मस्त हुई है माया के कि उसी की तृष्णाओं के पीछे लग के कि अरे आप लोग तो पागल हो जो घर परिवार को छोड़ के जा रहे हो जब आपको कष्ट हो तो यही घर परिवार वाले सामने आएंगे और मदद करेंगे हम जब उनको समझा समझाने जाते हैं वो उल्टा हमें समझा देते हैं कि हमें मत प्रबोध करो हम तो सही है आप सुधारो कल को आपकी अवगति होगी तब कौन आपके साथ खड़ा रहेगा तो राजी इस किरणतन के द्वारा यही बता रहे कि इंद्रावती की आत्मा ये तो ये समझ रहे हैं कि ये मदमाती अपने रंगराती करत मन का मान्या उनको जो सही लग रहा है ना ये वही कर रही है लेकिन तू क्या कर तू इससे विचलित मत होना तू कर तेरी हो तबेरी जात अवसर तेरा तू अपनी कर रही है तू तो अपने सच्चे हृदय से इनका भला चाह रही है सच्चे हृदय से उसको अखंड की राह दिखा रही है बस यही तेरा कर्म है तू बस ये करती जा और यही शब्द एक उठत अवनी में नहीं कोई नेह समाना पहचान पियू तू अक्षे ताही सु लपटाना तू तो बस अपने प्रियतम से लिपटी हुई रहे उनकी ही कार्य में मस्त रहे तुझे इनसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है उनको निंदा करने दो तू ना कर निंदा ना बखाना वो क्या कर रहे हैं वो मत देख तू ना उनकी निंदा में अपना समय लगा ना ही उनके बखान में तू तो बस अपने प्रियतम की जिकर में ही मग्न रहे तो सुंदर साहु जी इस प्रकार से किरणतन उतरते हैं तीसरा किरंतन ये भी है कि रे मन भूलना महामत दुनिया देख तू आप संभार ए नाही दुनिया बावरी ए रचो माया ख्याल बेचारे वो क्या करे जो माया के जीव है वो माया से परे नहीं हो सकते लेकिन तू अपना उत्तरदायित्व निभा क्योंकि जहाँ जहां बेहद बनजगा होएगा साथी सो एक लवे हो सी टूक टूक तु। जो पार की ईश्वरी सृष्टि या ब्रह्मात्मा का अंकुर है वो तेरा जैसे बादल बरसते हैं सुंदर साथ जी तो जहां अंकुर होता है वो ख, उग उग उसमें से वृक्ष बन जाता है पौधा फूट निकलता है अंकुरित हो जाता है और जहाँ बंजर जमीन है वहाँ कुछ नहीं निकलता है उसी प्रकार से यहाँ हमें उपदेश देते हुए कहा जा रहा है इन इनकीन में कि दुनिया तो यही करेगी लेकिन तू प्रेम रूपी वानी को फैलाने में पीछे मत हटना और तू वो क्या कह रहे हैं उसकी चिंता मत करना वो उसे आत्मसात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो भी चिंता तू मत करना तेरा उत्तरदायित्व एक ही है कि तू धनी की जी कर कर तू उनके हृदय में वानी को फैलाती जा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों वो जरूर सुनेंगे और तुम्हारी रहनी के सामने वो ज़रूर झुकेंगे अगर मीरा दीवानी की को जो पागल कहते हैं वो भी उसकी दीवानगी के सामने झुक जाते हैं और फिर उसी को मंदिर बना के पूछते हैं जिन्होंने राधा को पागल कहा वो भी उनको पूछते हैं जिन्होंने रस खाल रस खान को पागल कहा वो भी उनकी दीवानगी के सामने नतमस्तक होके उन्हीं को पूछते हैं तो क्या हम जब रनी की ब्रह्मात्मा बनकर सच्चे हृदय से वाणी की ज्योत को लेकर फैलाएंगे तो दुनिया नहीं पिघलेगी क्या और दुनिया पिघले या ना पिघले सुंदर साजी हमने सुना ना जामनगर में कानजी बट जब चर्चा सुनाते हैं तो देवचंद्र जी तो जब आए तब लेकिन पहले वो कैसे चर्चा सुना रहे थे लेकिन वो क्या कहते हैं मैं किसी के सामने चर्चा नहीं करता हूँ मैं तो अपने शाम को रिझाने के लिए चर्चा करता हूँ अगर वो अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए चर्चा करते हैं तो हम अपने वाणी के द्वारा राज्य के गुणगान को गाते हैं वानी राज्य के हृदय का प्रेम है जब हम उसकी उस प्रेम की बात करते हैं तो हमें तो खुश होना चाहिए ना फिर हमें और क्या? उस शब्द को हम मुख से कह पा रहे हैं वही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है सुंदर सा जी इससे बड़ा फल है और हमें क्या चाहिए और सामने क्या होगा उसका उसकी चिंता राज्य करेंगे वो चिंता हमारी नहीं है तो यहाँ पर इन तनों में सुंदर साथ को प्रबोध दिया गया और उसके बाद सुंदर साथ जी फिर से नित्य प्रति वैसे ही मीठी मीठी चर्चा होने लगी और धीरे 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 क्या हुआ एक दिन चर्चा मिने खंडनी भाई महावजी पर श्रीजी ने महावजी भाई की खंडनी कर दी जैसे जयराम भाई की खंडनी की थी दीप बंदर में श्री जी ने महावजी भाई की खंडनी करी और उनको जब खंडनी के वचन कहे तो अभी उनको पूरा विश्वास नहीं है और उसके कारण से उनको बुरा लगा कैसे सुंदर साद जी जैसे इसे एक दृष्टांत से समझिए जैसे एक छोटा बच्चा है उसकी स्वयं की माँ अगर उसको मार भी लेगी ना तो सबको लगेगा सगी माँ है तो किसी अच्छे के लिए ही मारा होगा या कुछ कहा होगा लेकिन अगर उसकी सौतेली माँ हो और सच्ची बात पे अगर आंख भी ऊंची करके बोल देगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे सौतेली है इसलिए कर रही है जब बच्चे को पहचान हो जाएगी ना कि ये मेरी सच्ची माँ ये सौतेली नहीं है तो उसको पता चल जाएगा कि जो भी करेगी वो मेरे अच्छे के लिए करेगी अर्थात संबंध की पहचान होते ही किसी की भी बात का हमें बुरा नहीं लगेगा हमें जब पता चलता है कि ये अपना है तो हमें उस बात का बुरा नहीं लगता है खुद की माँ की गाली मीठी लगती है जबकि दूसरों के द्वारा दिया गया उपदेश भी हमें बुरा लगता है तो यहाँ पे महावजी भाई भी ईमान पे अभी दृढ़ नहीं हुए थे सुंदर साज जी कच्चा ईमान था उनका तो उनको भी हमारे तरह जब हमें सदगुरु कुछ कहते हैं हमें भी बुरा लगता है ना तो उसी प्रकार से उनको बुरा लग गया और बुरा लगने के बाद क्या हुआ हमारी तरह ही वो घर पे बैठे कि कैसे हैं श्री जी मैंने अपने घर पे रखा हुआ है मैं इतने प्यार से उनकी सेवा कर रहा हूं कुछ भी कमी नहीं रख रहा हूं और इन्होंने सबके सामने मुझे खर, मेरी खंडनी कर दी कुछ कहना भी होता तो एकांत एक में कह देते तो अब क्या होता है सुंदर सर जी वो घर पे तो बैठे रहे पूरा दिन घर पे तो बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि घर के बगल में ही तो श्री जी है तो वो पूरा दिन चले गए दुकान पे दुकान तो कांजी संभाल रहा था उनका बेटा लेकिन क्योंकि चर्चा नहीं सुननी थी तो बहाने से दुकान पे चले गए पूरा दिन नहीं आए और रात को भी जाएंगे तो श्री जी को प्रणाम करना पड़ेगा तो रात को भी दुकान पे ही रुक गए आंख लगी और सोए हुए हैं सुंदर साची जैसे हम सब माया में सोते हैं ना सुंदर साची एक बात हमेशा रखनी चाहिए याद रखनी चाहिए इसमें दो चीजें सीखने को मिलती है एक तो पहली बात कि श्री जी खंडनी कर रहे हैं ना तो हम कहीं जागृत जागनी करने के लिए जाते तो हम भी कठोर वचन कह देते हैं सुंदर साथ को और दूसरों को हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम अभी देखेंगे कि किस प्रकार से श्री जी के अंदर जो शक्ति है ना वो महावजी भाई को अपना जोश देकर वापस लेकर आएगी हमारे पास उतना हमारी वो स्थिति है कि हमारे शब्दों से अगर किसी को दुख हो जाए और वो राज्य की वाणी ना सुनने के लिए आए और राज्य के चरणों से हमेशा के लिए विमुख हो जाए हमारे पास शक्ति है कि हम उनको वापस लेकर आ सकते हैं हमारे पास है जोश की शक्ति नहीं है ना तो एक व्यक्ति को हमेशा के लिए हम राज्य के चरणों से दूर करने का महापाप ले लेंगे सुंदर सा जी तो कभी भी किसी को कठोर वचन नहीं कहने जब तक उस स्थिति तक ना पहुंच जाए तो श्री जी की देखा देखी कभी नहीं करनी है वो साक्षात अक्षरातीत का तन है उनको पता है कि किस जीव को कब क्या करना है हमें नहीं पता है हमें प्रेम से ही उनके बेचारे सुंदर साथ पहले से दुखी है माया में जिनको पहचान नहीं है हम जाके और दुखी करके आए दुखियों दुख दुखी हृदय में कैसे वो वाणी उतरेगी एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति जाता है जो भूखा था कई दिनों और उनको कहा जाता है कि जो व्यक्ति उनको लेके गया था ना गौतम बुद्ध के पास वो कहता है कि इनको उपदेश सुनाइए गौतम बुद्ध ने उनकी स्थिति देखी और वो कहते हैं कि पहले इसको भोजन कराओ ये कितने दिनों का भूखा है फिर उसको आराम कराओ तब मेरे पास लेकर आना जब उस व्यक्ति को वहाँ से भेजा जाता है भोजन वगैरह कराया जाता है उसके बाद उनको उपदेश देते हैं क्यों क्योंकि उनको पता है कि जब वो दुखी है उस दुखी हृदय में कैसे राज्य को प्रेम को दिया जाए तो हमें भी सामने वाले के दुख को सुनना पड़ेगा हरजी व्यास के पास श्री जी ने दो महीना सुना ना महीना दो महीना सब जगह जाके वो सुनते हैं पहले उनको हल्का करो खाली करो जैसे जैसे पात्रता आती जाती है फिर उस हिसाब से उनको खिलाओ और खंडनी के वचन तो हमारे मुख से निकल ही नहीं ही नहीं चाहिए हम आह्लादिनी शक्तियां हमारे प्रियतम की है हमारे मुख से प्रेम के अलावा कुछ नहीं निकलना चाहिए प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई प्रेम इनो जाहिर किया ना तो प्रेम दुनिया में कित। और अगर हम प्रेम की स्वरूपा होके दुखी हृदय को और दुखी करेंगे तो कौन सुनेगा उन चर्चा को हम बेचने तो मिठाई गए हैं और वचन हमारे विष से भी कड़वे हैं तो कौन मिठाई को लेगा मिठाई वाले को मिठा भी तो बोलना पड़ेगा तभी तो मिठाई बिकेगी तो सुंदर साह जी हमेशा याद रखिए हम ये ना सोचे कि दीप बंदर में जयराम भाई को खंडनी के वचन कहे थे यहाँ पे भी कहे तो हमें भी खुली छूट मिल गई है कभी भी कोई भी वचन ऐसा कठोर ना निकल जाए कि सामने वाले के दिल को आहत कर दे दुखी कर दे क्योंकि मन वाणी कर्म से अगर हम किसी के हृदय को दुखी करते हैं ना सुंदर जी फिर हम हम राज्य से दूर होते जाएंगे निकले तो हम राज्य की सेवा के लिए हैं लेकिन वो प्रेम सेवा नहीं होगी तो कभी हम कठोर वचन ना कहे और दूसरी बात जब भी हमें सदगुरु की तरफ से ये दूसरों के लिए है कि दूसरों के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना है लेकिन अगर किसी परमहंस सदगुरु से हमें कुछ कहने में आ रहा है तो हम सोचे कि इंद्रावती की आत्मा ने मीराज जी के तन में तो सदगुरु के चरणों में कितना कुछ समर्पित कर दिया था कि मुझे मेरे अवगुण बताओ कि मुझे परमधाम क्यों नहीं दिख रहा है कभी जाके सोना चरणों में रख रहे हैं कभी कुछ रख रहे हैं तो कभी कुछ रख रहे हैं और उतरते आहार घटाइए सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं और हमें अगर हमारे सदगुरु महाराज हमारी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कह रहे हैं तो हम क्या कहते हैं बुरा मान के महावजी भाई की तरह घर बैठ जाते हैं कि हमारा तो घर है हमारा तो इतने करोड़ का बंगला है फ्लैट है हम यहाँ पे सुनने के लिए थोड़ी ना आए हैं तो सुंदर सा जी हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे आरस पहाड़ का पत्थर होता है ना उसको जब कारीगर उसमें से मूर्ति बनाता है तो उसको ठोकता है अगर वो बिखरता जाएगा ना तो उसमें से मूर्ति नहीं बन पाएगी तो सदगुरु के चरणों में जब हम पत्थर रूपी हमारा दिल लेके जाते हैं तो वो ठोकेंगे ना उसको राज जी ऐसे ही तो थोड़ी ना रू बन जाएंगे हम तो ठोकेंगे तो पीड़ा तो होगी लेकिन हमें एक ही ध्यान रखना है कि बिखरना नहीं है अगर हम बिखर गए तो सीढ़ी बन के रह जाएंगे लेकिन अगर हम खड़े रहे कि मेरे सदगुरु महाराज है मेरे राज्य बैठे इस हृदय में अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो प्रेम का सागर मेरे लिए ही बोल रहा है कहीं ना कहीं कुछ सीख है सदगुरु की लात में भी बात होती है और ऐसा समझ के जब उसको हम आत्मसात करने लग जाएंगे ना फिर देखो सुंदर सा जी वो सदगुरु हमारे पत्थर में से कैसी मूर्ति बनाते हैं और कैसे उस उसमें अपनी रूह फूक के खड़ी करते हैं हमारी आत्मा को लेकिन समर्पण तो करना पड़ेगा ना तो यही प्रसंग से हमें सीख मिलती है सुंदर सा जी अब देखते हैं महावजी भाई को कैसे लेकर आते हैं जी अब महावजी भाई तो बुरा लगा के पूरे दिन नहीं गए हैं श्री जी के साथ में और रात को सोए हुए हैं अब जी को तो पता है क्यों खंडनी करी उसकी जिसको अपना समझते हैं उसी को तो खंडनी करेंगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अगर मस्ती कर रहे हैं ज्ञानपीठ के बच्चे और बाहर के हैं तो मैं कौन से बच्चों को डांटूंगी ज्ञानपीठ के बच्चों को ही तो डांटूंगी क्योंकि वो मेरे अपने हैं और उससे दूसरे बच्चे मुझे पता है दूसरे बच्चे ही मचा रहे हैं लेकिन डांटूंगी मैं किसको जो मेरे अपने हैं लेकिन सीख किसके लिए है स्वामी जी कहते हैं ना कि अगर सास को सीख देनी है तो वो अपनी बेटी को डांटते हैं बहू को नहीं सीधे सीधे कहते हैं है ना तो उसी तरह से महावजी भाई क्योंकि अपने हैं तो सोचो ना श्री जी को अपने घर पे रख रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं उनको तो पता है लेकिन उन्होंने अपने सामर्थ्य से जीव ने समर्पण किया तो श्री जी भी तो समर्पण करेंगे अब अपना वो भी तो अपना खजाना उस दिल में डालेंगे ना और उस दिल का ईमान अभी कच्चा है तो उसको दृढ़ करना है इसीलिए उन्होंने खंडनी की जैसे ही खंडनी की उन्होंने बुरा लगा के गए हैं अब रात को सोए और क्या हुआ सुंदर साची राते मारा तमाचा ने के चाटा पड़ा है उनके मुख पे और उनको वाणी सुनाई दी क्या क्यों रीस करी इनको कि हे मूर्ख तूने किससे रीस करी है किससे रूट के तू यहां बैठा हुआ है किसके वचनों का तूने बुरा माना क्यों न दुए दिए तुम कान तुमने सच्चे हृदय से क्यों नहीं उनकी बात को सुना कि अगर वो प्रियतम कुछ बोल रहे हैं तो मेरे भले के लिए ही होगा तू जा फिर ही तू दोबारा से उन्हीं के चरणों में जा कर देख पहचान और उनकी पूर्ण पहचान कर उसके अलावा तेरा कल्याण नहीं होगा अब क्या हुआ जैसे ही उनको नींद में ऐसा सुनाई दिया और तमाचा तो पड़ा है नींद में लेकिन जग गए ना तो गाल उनके लाल है और दर्द हो रहा है तो उनको पता चला कि ये निश्चित रूप से कोई अलौकिक शक्ति है जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी है और वो महावजी भाई श्री जी के चरणों में चले गए सुंदर साद जी रात भी पूरी नहीं हुई है श्री जी के पास जाते हैं और जागे पीछे रोइया प्रातः बैठा आए द्वार सुबह सुबह ही जाके अब रोने लगे श्री जी को और श्री जी को कह रहे हैं रोए के कदमों लगा अपनी कहीं तक क्या भी तक कह रहे हैं देखो सुंदर साद जी हमसे अगर कोई गलती हो जाए ना सदगुरु महाराज कुछ कहते हैं हम रूठ जाते हैं कुछ दिनों के बाद अगर वापस भी आते हैं ना तो हम अपनी गलती नहीं स्वीकार करते हैं ये महावजी भाई हैं एक ही बार तमाचा पड़ा है। तमाचे हमें कितने पढ़ते हैं राज्य की बात को हम नहीं मानते हैं अमृत ढोली ने विख पी दू बार बार अमृत रूपी राज्य के प्रेम को दिल में ना बसा के वाणी के वचनों पर ना चलकर रूपी माया की इच्छाओं के पीछे भागते हैं और उसके बाद क्या करते हैं ते हाथ थी परी करी दीदू छे हाथ रतन राजी ने कोड़ी रूपी माया को दूर करके हाथ में रत्न रूपी वाणी दी है उनके चरण कमल प्राप्त हो जाए अखंड का सुख प्राप्त हो जाए वो निधि दी है और हम क्या करते हैं अमृत ढोल के विष पीधु अमृत को गिरा देते हैं और विष रूपी माया को ग्रहण करते हैं करते हैं ना माया में हमारा स्वागत करता है कोई जिन रिश्तों के पीछे हम जाते हैं जो विचार हमें माया ये सताते हैं ध्यान करते समय उन्हीं के पीछे तो हम भागते हैं पूरा दिन तमाचा तो हमें भी कम नहीं पड़े देखो ये महावजी भाई है जिनको एक तमाचा पड़ा और श्री जी के सामने चले गए और फिर दृढ़ ईमान के साथ आगे हम सुनेंगे कैसी कैसी कठिनाई आती ना उनका ईमान नहीं हिलता है हमें कितनी भी माया की ठोकरें मिलती हैं कितना भी तमाचे तो पड़ते हैं हम बार बार वहीं जाके लगते हैं सुंदर साहब जी हमेशा याद रखिए करेला कहीं से भी आप चख लो ना वो कड़वा ही लगेगा माया तो दुख निधान जी किसी भी रूप में आप चखोगे उसको पकड़ोगे ना दुख ही देगी वो कड़वी है वो और राज्य कैसे है मीठे अभी हमने सुना ना मीठे कैसे हैं हमारे प्रियतम प्रेम के सागर मीठी जुबा उनके वचन भी मीठे वो भी मीठा उनका हृदय भी मीठा वो प्रेम भी मीठा वो संबंध भी मीठा वो पूरा मीठा ही मीठा है कहीं से भी चख लो किसी भी रूप में वो मीठा ही रहेगा कभी हमें दुख नहीं दे सकता है वो दुख है ही नहीं उसके पास तो कहाँ देगा सरकार से एक उदाहरण दिया करते थे कि अगर फूलों के दुकान वाले के पास चले जाए ना तो उसको गुस्सा आएगा तो क्या मारेगा फूल ही तो उठा के मारेगा उसके पास कुछ है ही नहीं और बोलते हैं कि राज्य के पास तो प्रेम ही प्रेम है मारेंगे पहले तो मारेंगे नहीं उनको गुस्सा आता ही नहीं है मारेंगे तो प्रेम ही मारेंगे और पड़ो उसमें अक्षर ब्रह्म है उसके पास जाएंगे तो उसके पास भी कुछ नहीं है प्रेम के अलावा वो भी प्रेम ही देंगे कहाँ से लाएंगे वो और कुछ देने के लिए सरकाशी हमेशा ये कहा करते थे तो राज्य कभी हमें दुख नहीं देते हैं सुंदर सा जी हम दुखी हमारे कर्मों के कारण होते हैं हम दुख को पकड़ते हैं तो दुखी होते हैं तो हमें चाहिए हम उस दुख को ना पकड़े हमे, हमें हमें किसे पकड़ना है राज्य के चरणों को जो सुख को निधान जय जय सुख को निधान जो हम मंगला आरती में कहते हैं ना जो सुख का निधान है उस सुख के निधान प्रियतम को पकड़ना है सुंदर साद जी वो अपना काम कर रही है हम अपना काम करें अब क्या होता है महावजी भाई गए श्री जी के चरणों में और जाके अब इतना ही नहीं कि रो के वापस आ गए स्वीकार कर रहे हैं क्या कह रहे हैं मैं खंडनी सुन के होए गया बेजार आपके मुख से जब मैंने खंडनी के वचन सुने तो मैं आपसे रूठ गया था श्री जी मैं तो कच्चा साथ में मैं सुंदर साथ में सम्मिलित तो हो गया था लेकिन मेरा ईमान कच्चा था ना पहचाना परवरदिगार आप मेरे साक्षात धनी हो ये पहचान पूर्ण रूप से नहीं हुई थी इसलिए मुझसे ये गलती हो गई अब सच्चे हृदय से जब प्रायश्चित करते हैं गलतियाँ सबसे होगी सुंदर सा जी तन हमारा यहाँ का है लेकिन महान वो होता है जो गलती को स्वीकार करके आगे बढ़ता है जब भी सदगुरु महाराज के सामने जाए ना तो अपनी गलतियों पे पर्दा ना डालें अगर उनके सामने गलतियों पे पर्दा डालेंगे तो हमारी गलतियों को कौन सुधारेगा तो कभी गलतियों को ना ठुकरा अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो सदगुरु जी के सामने जाके स्वीकार करेगी ये चीज है जो मुझे मुझे मेरे राज्य से दूर कर रही है मेरे अंदर ये कमी है कृपा करके इसको दूर करने का मार्ग बताइए खुद से स्वीकार करें और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वीकार करके छोड़ दिया कन्फेशन भी करना है और उसको सुधारने का भी प्रयास करना है और सच्चे हृदय से राज्य को कहना है कि मेरे और आपके बीच में ये जो कुछ भी आ रहा है उसको हटाइए प्रियतम कितने दिन तक हम अभी माया में भूले रहेंगे सच्चे हृदय से पुकारेंगे जो बिना पुकारे हमें यहाँ तक लेके आए ना सुन्दरसाह जी हम तो भूले हुए थे माया में किसने आके हमारी आत्मा को हम भी तो मावजी भाई की तरह कहीं ना कहीं थे ना हमारे हमने तो पहला कदम नहीं बढ़ाया हमारे घर पे भी तो किसी ना किसी रूप में वाणी राज्य ही आके समझा के गए सुना के गए चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो वाणी के माध्यम से हो किसी व्यक्ति के माध्यम से हो या जूम मीटिंग के माध्यम से या किसी और माध्यम से राज्य ही तो ला रहे हैं ना हम सबको भी आगे भी वही लाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ सुंदर साहद जी महावजी भाई वहां पर गए और उन्होंने स्वीकार किया अब उनका ईमान दृढ़ हो गया है और अब क्या हुआ जब ईमान दृढ़ हो गया ना तो दज्जाल अब कैसे परीक्षा ले रहा है अब बैठा है बाहर पहले तो ये अंदर का था कि ईमान उनका दृढ़ नहीं था जिसने परीक्षा ली अब राजी ने उनको ठोक ठोक के सही कर दिया विश्वास पे खड़ा कर दिया है अब क्या हुआ दुश्मन बने हैं उनके बेटे उनकी माँ बाप उनकी पत्नी और ताना मार रहे हैं क्यों क्योंकि दिन रात वहीं पे चर्चा सुन रहे हैं उनको राज्य के अलावा अब कोई सुधी ही नहीं है तो अब बेटे को तो लगेगा ना कुछ दिनों के लिए तो ठीक है दुकान संभालना अब आप दुकान संभालो तो मैं कुछ और कर लूँ पूरा मेरे मुझ पर ही छोड़ रहे हो कुछ दिनों की बात है तो ठीक है ये तो कई महीने होने को आए और आप चर्चा ही सुनते जा रहे हो तो वो बुदबुद आ रहा है पत्नी भी बोल रही है कि जब आपको इतना ही संन्यास ही बनना था दिन रात चर्चा ही सुननी थी तो शादी क्यों करी माँ बाप भी बोल रहे कि हमारा बेटा तो गया काम से जब हम सच में काम के बन जाते हैं ना सुंदर जी आत्मा के कल्याण में लगते हैं तो दुनिया वाले के लिए हम बेकार बन जाते हैं तो और वो तो अपने काम को रोते अपने स्वार्थ को रोते तो उनको लगा बुरा और लगे निंदा करने इनका जीना दुश्वार कर दिया महावजी भाई का लेकिन अब वो महावजी भाई है हमारी और आपकी तरह नहीं है ईमान पे खड़े हो गए और क्या कह रहे हैं जोर लड़ाई उन्होंने करी सब मिलके लड़ाई कर रहे हैं अकेले महावजी भाई से सारे रिश्तेदार जो था उनमें जोर जितना भी जोर था ना लगा दिया लेकिन वो भी ब्रह्मात्मा है दृढ़ ईमान पे खड़ी हुई है सदगुरु महाराज ने उनको तरा, तराशा है अब वो टस से मस नहीं हो रहे वो क्या कह रहे एह ना डगा इन समय महावजी भाई अब नहीं डिग रहे हैं ईमान से सुनिए सुंदर शाह जी पहले श्री जी की खंडनी से डिग गए थे और अब वो टस से मस नहीं रहे अपने ही रिश्तेदार सारे उनके सामने खड़े हैं फिर भी वो डर नहीं रहे हैं धर्मयुद्ध में खड़े हैं अडिग होकर बिल्कुल भी वीर सुरवीर बनकर धैर्यपूर्वक खड़े हैं और क्या हुआ जब इतने धैर्यपूर्वक खड़े रहे ना तो जैसे समंदर के किनारे खड़े रह जाओ दृढ़तापूर्वक तो लहरें आती है और चली जाती है उसी प्रकार से ये सारे शांत हो गए कि अब ये किसी का हमारा कुछ सुनने वाले नहीं है माया ने अपना जोर दिखाया शांत होकर अपने घर में बैठ गए सारे और क्या हुआ इनको धाम धनी का बड़ा जो हुआ हाल इसके पश्चात महावजी भाई धाम धनी के गहन प्रेम की स्थिति में डूब गए अब सोचो सुंदर सा जी अगर ये खंडनी ना करी होती श्री जी ने उनका ईमान दृढ़ ना हुआ होता तो घर वालों का विरोध सहन कर सकते थे और उनको ये प्रेम की स्थिति प्राप्त होती तो उसी प्रकार से हमारी भी माया में कहीं ना कहीं कसौटी होगी लेकिन हमें दृढ़ता के साथ खड़े रहना है तो महावजी भाई के जीवन से बहुत सीख मिलती है हमें और क्या हुआ सुंदर सात जी राधाबाई रूपाबाई और विश्वनाथ जी ये सब का ईमान दृढ़ होता जा रहा है और सारे श्री जी के चरणों में समर्पित होते जा रहे हैं ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ रोज प्रति रोज वहाँ पे चर्चा होने लगी और सारे आने लगे हैं और इस समय वहाँ पे एक दरोगा है अब क्या हुआ भाईजूराज महारानी को छुड़ाने के लिए भी तो जाना है ना तो अरबी लुटेरों ने जिसको बंद करके रखा हुआ है जिस कैद खाने में उस कैद खाने का दरोगा मतलब जो पुलिस होता है चौकी करने वाला वो अधिकारी रोज आता है कि सबको छुड़ा के ले गए, पता नहीं इनको छुड़ाने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है अब उसको चिंता लगी है श्री जी अपनी सेवा में मग्न है चिंता उसको है जिसको छु... जिसको छुड़वाना है उसको चिंता नहीं है जिसको छोड़ना है ना उसके दिल में चिंता हो गई और वो दरोगा आता है श्री जी के पास और श्री जी को कह रहा है कि आप बंद से छुड़ा लो सब लोगों को छुड़ा दिया है बस बाईजूराज महाराणी रहेगी आप उनको छुड़ाइए ना तो श्री जी क्या उत्तर देते हैं सुंदर शाह जी ये हमेशा याद रखने वाली बात है सिर पर साहिब जो वह है खबरदार श्री जी कहते हैं कि मेरे सिर पर जो साहिब है ना वो खबरदार है वो उसका काम है उसको बंद से छुड़ाना मेरा काम है उसकी जीकर करना और मैं वो कर रहा हूँ हमको फिकर ना कछुए अगर मेरे सिर पर वो साहेब खड़ा है वो खबरदार है एक पैर पे खड़ा है तो मुझे किस बात की फिकर है उनको छुड़ाने की और कादर भरतार और वो भी जो मेरे सिर पर खड़ा है ना वो जैसा तैसा नहीं है वो सर्वशक्तिमान कादर मतलब उनके जैसा सामर्थ्यवान और कोई नहीं है उनके लिए असंभव कुछ है ही नहीं ऐसा प्रियतम मेरे सिर पर खड़ा है और इनको छुड़ाने का उत्तरदायित्व उनका है इसीलिए मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है सुंदर साह जी तो हमें इस बात से सीख लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए हमें फिक्र नहीं करनी है जितना समय हम ध्यान में बैठे ना राज्य को सौंपे फिक्र और बाद में भी हम करें लेकिन फिक्र ना करें कर्तव्य करें अपना माया के रिश्तों को भी प्रेम से निभाएं अगर हम उनसे झगड़ा करते रहेंगे और ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो होगा ध्यान हम उनसे प्रेम का व्यवहार करें हमारी रहनी से वो प्रभावित होंगे और तब हम ध्यान करें जब रज में हमें कुछ भी नहीं पता था हम कान्हा को मिलने के लिए जाती थी ना तब कैसे जाती थी घर का काम करके सब खुश जल्दी जल्दी निपटा के जाती थी, थी ना तो कोई नहीं था बोलने वाला तो इसी प्रकार से दुनिया के उत्तरदायित्व को करते हुए अच्छे प्रकार से दिल में राज्य का चिंतन रखे जब भी समय मिले तब ध्यान करने के लिए बैठे लेकिन जब ध्यान करे तब किसी की चिंता ना करे चिंता सिर्फ उसकी करे कि राज जी कैसे तेरे चरण कमल प्राप्त हो मेरे और तेरे बीच में कोई दज्जाल ना खड़ा हो जाए उस बात की चिंता हमें होनी चाहिए सुंदर साची तो अब क्या होता है ये रोज रोज आने लगा और पहले तो वो कहने के लिए आता था धीरे धीरे जब श्री जी का ऐसा जवाब सुनता था ना तो उसको लगा कि बड़ो दृढ़ाव देख के वह हो गया जय जब ऐसे दृढ़ता पूर्वक उत्तर देते हुए सुना श्री जी को तो उसको लगा इतने दृढ़ मान के साथ कौन है जो बोल रहा है इसकी चर्चा जरूर सुननी है मुझे तो अब क्या करता है रोज रोज चर्चा सुनने आता है संदेश देने के बहाने खुद का वहाँ से काम छोड़ के चर्चा सुनने आता है श्री जी की क्योंकि उसको भी चर्चा सुनने में आनंद आ रहा है और चर्चा सुनते सुनते चर्चा सुने शवनो कहे शुकर परवर दिगार और उस परवर दिगार का उस खुदा ताला का शुक्र गुजार मानता है कि अच्छा हुआ इस बहाने तूने मुझे ऐसी अलौकिक चर्चा इस अरब की धरती पर सुनने के लिए बुलाया तेरा जितना शुक्र गुजार शुक्रिया करूं उतना कम है और अब क्या होता है सुंदर शाह जी इस प्रकार से 1728 के साल में श्री जी वहां पे रहे हैं और अब क्या होता है किस प्रकार से कौन सेठ है एक अबासी बंदर के भैरो सेठ जिसको राज्य खड़ा करेंगे क्योंकि श्री जी ने तो राज्य पे छोड़ दिया अब राज्य का भी तो उत्तरदायित्व बनता है उनको छुड़ाने का तो वो अब अब्बासी बंदर में भैरो सेठ है एक उनके हृदय में कैसी प्रेरणा करके बाइजू महारानी को और उनके साथ जो सुंदर साथ सम्मिलित हैं उनको छुड़ाते हैं और कैसे वो भैरो सेठ के पास जाने का कारज कारण बनता है और उनकी आत्मा को जागृत करते हैं उस प्रसंग से भी बहुत कुछ सीख लेने को मिलेगी सुंदर साहद जी वो प्रसंग हम कल सुनेंगे और आज के प्रसंग से हमें जो सीख मिली उसको आराम से आज ना सोने से पहले दोहराएंगे चिंतन करेंगे कि इससे जीवन में हमें क्या सीख लेनी है उसको जीवन में उतारेंगे और ध्यान करने के बाद दृढ़ संकल्प करके सोएंगे कि प्रियतम हमें भी महावजी भाई की तरह चांटे तो बहुत पड़े हैं हम बहुत माया में लगे हुए हैं बार बार नींदे घोते दिए सुध बिना ये जो सुपन के तन तीन को भी हके ना छोड़िया सिर पर रहे रात दिन दिन रात आप हमारे सिर पर हो माया हमें कितने भी गोते दे रही है हम भी उसमें गढ़ ले खा रहे हैं लेकिन आप हमें नहीं छोड़ रहे हो प्रियतम लेकिन अब हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे और ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ रात्रि को जब हम सोएंगे और सुबह भी उठकर ध्यान करेंगे तो हमारा हमारी आत्मा जरूर जागृत होगी और हम जल्द से जल्द ये जो जीव है उस विकारों से दूर होता जाएगा सुंदर साथ जी इसी प्रार्थना के साथ हम चौपाई दोहराएंगे इन भात अट्ठाईस साल में रहे मस्कात में जात आप अपनी सब छुड़ाई आरबो से सबो छुड़ाई आरबो से